हेलो, वेलकम बैक। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। लोगों को बहाना देने की बहुत आदत है। घड़ी घड़ी में लोग बहाना देते हैं और बहाना देने से लोगों को सफलता मिलती नहीं है, और उसके बारे में आज मैं आपसे बताने वाला हूँ। तो वेलकम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, संबंध तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। लोगों को जो असफलता मिलती है तो उसमें 99% जो हिस्सा है वो उनकी जो आदत है बहाने देने की, उसकी वजह से उनको असफलता मिलती है। लोग बहाना देते रहते हैं, और बहाना कभी कभी बहुत हमको पटने जैसा रहता है कि नहीं, ये बोल रहा है बराबर है, कारण जो दे रहा है बराबर है। कहीं कहीं जगह बहाना बिल्कुल ही बराबर नहीं रहता है, मगर वो बहाना देते रहता है, और बहाने देने वाले को लगता है कि वो जो बोल रहा है वो सही है। लोग बोलते हैं कि भाई वातावरण ठीक नहीं है, पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है वो ठीक नहीं है, मार्केट में बहुत कुछ सभी कंडीशन टाइट है, महंगाई बहुत बढ़ रही है, लोग मुझे सपोर्ट करते नहीं है, मेरे आसपास के जो लोग हैं वो निगेटिव है, मेरी बुद्धि ज़्यादा चलती नहीं है, मैं कंफ्यूज रहता हूँ, मुझे सुबह जल्दी उठना नहीं होता, या मुझे ख्याल कम रहता है, या मेरा स्टाफ बराबर नहीं है। मतलब लोग कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। लोग एक तो वातावरण के बारे में बोलेंगे, खुद के बारे में बोलेंगे, और असफल लोग होते रहेंगे और बहाने देते रहेंगे, कुछ ना कुछ कारण देते रहेंगे। देखो, दो चीज़ हो सकती है, जो भी घटना होती रहे वो घटना को मैं प्रतिक्रिया कैसे देता हूँ उसके ऊपर सफलता है। जैसा कि इवेंट प्लस माय रिस्पॉन्स इज इक्वल टू सक्सेस। घटना कुछ भी हो सकती है, वातावरण में कुछ भी हो जाएगा, वातावरण ठीक नहीं होगा, लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, लोगों में कंपटीशन होंगे, मारामारी होंगी, भूकंप हो जाएगा, बहुत बाढ़ आ जाएगी, लोगों का आपस में बहुत झगड़ा हो जाएगा, मार्केट में कंडीशन ऐसी रहेंगी कि वो अपने ऊपर आपत्ति आ सकती है, काफ़ी सारी बातें हो सकती है। मैं उसको कैसा रेस्पॉन्स देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, उसके ऊपर फिर यश या अपयश, मतलब सफलता या असफलता डिपेंड है। एक कॉकरोच का उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक होटल में बैठा हुआ था, वहाँ एक जो कॉकरोच है, कॉकरोच तो वो काफ़ी सारी वहाँ जेंट्स लेडीज वगैरह बैठी हुई थी, तो एक ऐसा पूरा ग्रुप था लेडीज का, तो एक लेडीज के आंख के ऊपर जाके वो कॉकरोच बैठ गया। जैसे वो कॉकरोच बैठ गया, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो चिल्लाने से या पता नहीं क्या हो गया, वो कॉकरोच वहां से उड़ के दूसरे लेडी के हाथ के ऊपर जाके बैठ गया, तो वो भी चिल्लाने लगी। इतना हो गया कि भाई हो गया क्या, समझ में नहीं लोगों को आ रहा। फिर वहां से वो कॉकरोच निकला, और वो जो वेटर वहां से निकल रहा था उसके हाथ के ऊपर जाके बैठ गया। वेटर ने कुछ भी नहीं किया, शांति से उसको हाथ से पकड़ा और बाहर जाके फेंक दिया। देखो, घटना सेम है, कॉकरोच हाथ पे बैठने की, मगर लेडीज दोनों भी बहुत चिल्लाई, चीखी, बहुत जबरदस्त उल्टा उल्टा रिस्पॉन्स दे दिया, और उसने क्या किया, वेटर ने, उसने उसको उठा के बाहर फेंक दिया। घटना सेम रहती है, हम उसको कैसा रेस्पॉन्स देते हैं, हम उसके लिए क्या करते हैं। महंगाई है, गरीबी है, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, जो भी है, वातावरण में खराबी है, लोग बीच में बहुत प्रॉब्लम ला रहे हैं, लोग मुझे सफलता नहीं हासिल करने देते हैं, या जो भी कुछ हो रहा है, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं उसकी जवाबदारी लेने को तैयार हूँ क्या, मैं ऐसी जगह खड़ा हूँ क्या कि जो भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, और मैं इसमें से रास्ता निकालूंगा ही, और मैं सफलता के आखिरी तक, मतलब आखिरी पॉइंट तक मैं निकल जाऊंगा या लेके जाऊंगा। तो इवेंट से मैं रेस्पॉन्स में ऐसा दे सकता हूं कि जो मुझे चाहिए वो रेस्पॉन्स में दे सकता हूं, और फिर वहां सफलता हो सकती है कि हासिल करना मेरे, मतलब मेरे जिम्मेवारी में है, और मैं कर सकता हूं। एक ही एग्जांपल और देता हूं मैं, कि एक व्यक्ति था, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, बहुत पैसे कमाता था, बहुत अमीर था, और उसका सग्गा भाई एकदम, वो बहुत शराब पीता था, जुआ खेलता था, बहुत गरीब की दो टाइम खाने की उसको चिंता थी।
जब अमीर जो था इंडस्ट्रियलिस्ट उसके पास में जब पत्रकार गए उनको पूछा कि तू इतना बड़ा बन गया, जब खाने पीने की चिंता थी झोपड़ी में आप रहते थे, इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया? तो उसने वो बताया कि भाई मेरे पिताजी शराबी थे, शराब की वजह से हमको बहुत गरीबी थी और मैंने ठहरा लिया कि भाई मैंने मुझे यहाँ से निकलने का है, मैं शराब ज़िंदगी में कभी पीऊँगा नहीं क्योंकि मेरे पिताजी ने शराब पिया है तो उसका क्या नतीजा होता मैंने देखा था। मैंने प्रण कर लिया कि मैं कभी शराब पीऊँगा नहीं। बहुत मेहनत किया मैंने और इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी करके आज अमीर बन गया। दूसरा जो भाई था उसको पूछा कि भाई तू इतना शराबी बन गया, तू इतना गरीब है, वो कैसा? बोले मैं और क्या कर सकता हूँ। मेरे सामने मेरे पिताजी की छवि थी, उनका आदर्श था, वो शराब पीते थे, मैं शराब उनको खरीद के लाके देता था, मैंने भी शराब पीना थोड़ी थोड़ी चालू कर दिया, मुझे भी लत लग गई और मेरा भी पैसा पूरा उड़ गया। तो मैं जो शराब पी रहा हूँ या मैं जो गरीब हूँ पिताजी की वजह से। पहले वाला बोल रहा है कि मैं जो अमीर हूँ वो पिताजी की वजह से हूँ। घटना सेम है, हम कैसा उसको रिस्पॉन्स देते उसके ऊपर ये निर्भर है। तो आज से ये पक्का करो कि जो भी घटनाएं हो रही है उसको मैंने कैसा रिस्पॉन्स देना और मैंने कौन सी जगह पे खड़े रहना है, कहाँ खड़े रह के उसको मैंने प्रतिक्रिया देना है। जो भी घटना हो जाए मुझे सफल होने का है, उसकी जवाबदारी मैं ले रहा हूँ और मैं सफलता हासिल करके मेरी ज़िंदगी में मैं कहीं भी कोई भी ऊंचाई पर जा सकता हूँ या मैं ठान लिए तो पक्का हमको सफलता मिलेगी। तो आज से पक्का करो, बहाना देना जो है वो रोक दो। कंडीशन कुछ भी हो जाए, वातावरण कुछ भी हो जाए, मैं बहाना दूंगा नहीं और जो मुझे हासिल करना है वो करके रहूंगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद में वहाँ घंटी का चित्र आता है उसके ऊपर भी हिट करो ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आपको आ जाएंगे। आपके भी काफ़ी सारे दोस्त होंगे, आपके क्लब के लोग होंगे, आपके मित्र परिवार होंगे, उनके जीवन में भी सफलता का प्रॉब्लम होगा बहाने देने से। उनको भी ये वीडियो जरूर जरूर शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।